हाय दोस्तों, स्वागत है आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ पनीर जलफ्रेजी विथ वेरी लेस ऑयल। इसके लिए पहले हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे जीरा 1 टीस्पून। जब जीरा गरम हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 2 बारीकी से कटे हुए प्याज। फिर हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम इसमें ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये अच्छी तरह हिलाएंगे। और 2 टमाटर बारीकी से कटे हुए, हम इसे ढक के अराउंड 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे। फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर हम इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे फिर से 4 से 5 मिनट पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए। जब टमाटर पक जाए तो इस ग्रेवी को हम एक बॉल में निकाल के सेपरेटली रख लेंगे। फिर पैन को हम धो के फिर इसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा हम उसमें भून लेंगे। फिर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, कुछ जिंजर जूलियंस, से हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम प्याज थिनली स्लाइस्ड, उसे भी हम हल्का सा पकाएंगे। फिर हम डालेंगे कैप्सिकम 1 छोटा वाला, से हमने लंबे से काट लिया है। नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून। कैप्सिकम को भी हमें हल्का सा सॉटे कर लेना है। फिर हम डालेंगे टमाटो केचप 2 टेबलस्पून। फिर जो हमने पहले ग्रेवी बना के रखा था, हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हम इसे इसमें मिलाएंगे। हमें ज़्यादा कैप्सिकम पकाना नहीं है। फिर उसमें डालेंगे स्लाइस टोमेटो 1 मीडियम, हमने इसका बीज निकाल दिया है ताकि खट्टापन ना आए इसमें। फिर हम इसमें 150 ग्राम पनीर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि इसमें पनीर में ग्रेवी पूरी अच्छी तरह कोट हो जाए। आखिर में हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और धनिया पत्ता 1/2 कप बारीकी से कटा हुआ। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गया है हमारा पनीर जलफ्रेजी। एंजॉय द फूड। थैंक यू।